subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यहाँ पे मैंने बनाया एक डिफ़ॉल्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट और उसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक ऐड किया और लिंक ऐड करने के बाद मैं इसका टाइटल को जो उनसे रीनेम कर लेता हूँ एक बार। बॉडी के अंदर आगे मैंने एक डिव बनाया यहाँ पर और इस डिव के अंदर मैं क्लास यूज़ करूँगा कंटेनर और उस कंटेनर वाली क्लास के साथ मैं एक और कस्टम क्लास बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा कंटेनर सेट मेन, कस्टम सेट मेन में नाम रखूँगा। अच्छा जी, तो फिर इस डिव के अंदर आगे मैंने एक और डिव बनाया और अब की बार मैं इस डिव की जो क्लास है उसका नाम रखूँगा मैं इनपुट ग्रुप। और उसके साथ एक और मैंने कस्टम क्लास यूज़ की फ्लैक्स नॉर एप। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर एक बनाऊंगा इनपुट, उसके बाद इनपुट के साथ मैं एक आईडी यूज कर लूंगा। इनपुट की मैं क्लास यहाँ पे यूज करूंगा और मैं कहूंगा कि ये जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास यहाँ पे यूज होगी और आईडी का मैं नाम दे देता हूँ सर्च टैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी यूज करूंगा और प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा सर्च इमेजेस या इमेज कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद डिप से बाहर आकर मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा सेक्शन और सेक्शन के अंदर आकर मैंने एक क्लास लिखी और क्लास का नाम रखना है मैंने गैलरी इमेज इमेजेस, गैलरी इमेजेस मैंने इसका नाम रख दिया। उसके बाद बनाना है मैंने यहाँ पे एक यूएल और यूएल की मैं जो क्लास यूज करूंगा इस बार मैं उसकी क्लास का नाम रखूंगा इमेज इमेजेस। ठीक है, यूएल से बाहर आकर यहाँ पे मैंने बनाना है एक बटन यहाँ पर आके मैंने बटन को एक क्लास दी और मैं इसको बटन को क्लास देता हूँ BTN BTN बटन और BTN बटन मीडियम वाला यूज करो। उसके बाद उसका कलर दे दो BTN डार्क। ठीक है, और बटन का नाम रख देता हूँ मैं लोड मोर। और इसके बाद एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार यहाँ पे सेव करता हूँ और एक यहाँ पे नई क्लास फाइल बनाई script.js के नाम से और बॉडी के बाहर आगे मैंने लिखा स्क्रिप्ट और जो मैंने js की क्लास में नहीं जहाँ मैं जावास्क्रिप्ट का कोड करूँगा उसको यहाँ पे सोर्स करके अटैच कर लेता हूँ उस फाइल को। ठीक है, तो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी साइट के पेज के अंदर ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने बनानी एक और फाइल और वो मेरे पास होगी main.css। इस प्रोजेक्ट की जो UI है उसके लिए मुझे css यूज करनी है। ओके जी, CSS की क्लास बन गई है और CSS की क्लास बनाने के बाद चलते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे आके मुझे जावास्क्रिप्ट के बाद एक लाइन ऐड करनी थी, एक वर्ड ऐड करना था। अच्छा जी, तो वापस आए CSS मेन वाली क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्लास यूज की थी कस्टम सेट मेन, तो मैं क्या करूँगा डॉट लगाऊंगा CSS के लिए अपने इसके लिए जो मैंने क्लास का नाम यूज किया था इसके लिए क्लास यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो इसका मार्जिन है वो मार्जिन होना चाहिए 50 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद इसके जो मार्जिन की फोर साइड है उसकी मैं CSS लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो यूज करूंगा 50 पिक्सल। सही है, यहाँ पे एक बार सेव किया और उसके बाद हमारी जो सेकंड क्लास है गैलरी इमेजेस मैं इस क्लास पे यूज़ करूँगा, इसके लिए CSS लिखूँगा, डॉट यूज़ किया, डॉट करने के बाद क्लास का नाम यूज़ किया और अब मैं यहाँ पे इसकी CSS लिखता हूँ।
मैंने कहा जो डिस्प्ले है वो जो है फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम्स में होनी चाहिए, और जो अलाइन आइटम्स हैं वो मेरे सेंटर होने चाहिए। सही है, यहाँ पे एक बार सेव। जो गैलरी वाली मेरी क्लास थी उसके अंदर गैलरी डॉट इमेजेस के अंदर मैंने एक और क्लास यूज की थी, यूएल वाली जो इमेजेस वाली है, तो मैं क्या करूँगा गैलरी वाली सेम यही क्लास रिपीट करूंगा और उसके अंदर डॉट लिख के मैं इमेजेस वाली ये वाली क्लास यूज करूंगा की बार। तो मुझे इस गैलरी की इमेजेस के अंदर जो इमेजेस वाली क्लास है उसके लिए सीएसएस लिखनी है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो टॉप है जो मार्जिन टॉप है वो होना चाहिए है 50 पिक्सल का। सही है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने देना है इसकी जो मैक्स विड्थ है ना वो 95%, और उसके बाद मुझे यहाँ पर ऐड करना है जो उसका गैप होगा 110 पिक्सल और कॉलम 5 by 355 पिक्सल। यहाँ पे एक बार सेव किया मैंने। अच्छा, तो मैंने क्लास में डॉट डबल यूज कर लिया था, उसको मैंने डबल डॉट को खत्म करके एक डॉट किया क्लास के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं एक और क्लास यूज करूंगा डॉट इमेजेस डॉट कार्ड, जो इमेजेस के अंदर जो कार्ड बनेंगे ना उसके लिए मैं क्लास एक यूज करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी मैंने कहा जो लिस्ट स्टाइल है ना उसका जो स्टाइल है वो नॉन होना चाहिए, और उसके बाद एक और सीएसएस टाइप की प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पर। अब की बार मैं लिखूंगा जो इसका मार्जिन टॉप वाला जो सॉरी मार्जिन जो बॉटम वाला है वो होना चाहिए 10 पिक्सल का। सही है, यहाँ पे सेव किया मैंने एक दफ़ा, और मैं लिखता हूँ कि जो बॉर्डर रेडियस है ना वो इसका 10 पिक्सल रेडियस होना चाहिए, इसका जो कार्ड बन रहा है ना इमेजेस वाला उसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल होना चाहिए। मैं थोड़ा चेंज करके इसको 25 पिक्सल कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे का जो मार्जिन टॉप होगा वो 10 पिक्सल का होगा, किसका होगा जो इमेजेस के ऊपर हम कार्ड बना रहे हैं उसका। तो यहाँ पे एक बार सेव, और सेव करने के बाद इसके बाद एक और प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट इमेजेस। इमेजेस के अंदर जो इमेज आ रही है, इमेजेस के अंदर जो इमेज की क्लास आ रही है उसके लिए प्रॉपर्टीज यूज करनी है मुझे। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाऊंगा जो विड्थ है उसकी वो होगी 100%, ठीक है। तो जो कोड यूए की तरफ आते हैं हमारे अपने कोड की तरफ, यहाँ पे जो मैंने बटन की क्लास यूज करनी है मैं लिखूंगा कस्टम बटन बीटीएन, ठीक है। मैं अपनी क्लास यूज करूंगा बटन की। ओके, तो यहाँ पर आके मैंने कहा जो बटन की क्लास है उसके लिए जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, और यहाँ पे बनाएंगे हम जो उसका होगा मार्जिन बॉटम वो होगा 10 पिक्सल, और उसको एक बार फिर मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं इस सी एस एस को लिंक कर लूँगा अपनी मेन की फाइल से, अटैच कर लूँगा जो मेरे पास थी मेन डॉट सी एस एस की फाइल, ठीक है। यहाँ पर एक बार सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद तो जैसे मैंने लोड किया तो आपके सामने ये आ रहा है कि जो हमारा इनपुट सर्च वाला बटन था टाइप थी वो इस तरह थी, और एक हमने बटन बनाया था। तो बटन की सी एस एस नहीं आ रही तो उसमें मैंने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिखी बीटीएन होना चाहिए था, तो मैंने उसको बटन बीटीएन डार्क कर दिया। अब सेव करके जाएंगे तो बटन डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पाकिस्तान लिखूँ तो मेरे पास पाकिस्तान की जितनी भी इमेजेस है ना HD प्रो में HD रिजल्ट में वो आ जाए। तो बेसिकली हम जो ये सर्च इंजन बना रहे हैं API बेस्ड सर्च इंजन, वो इमेजेस सर्च करके लाएगा ना। आपको गूगल पर जाके इमेजेस ना सर्च करनी भी, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इमेजेस सर्च है। तो यहाँ पर आकर मैं चलता हूँ जावास्क्रिप्ट की क्लास के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके लिए जावास्क्रिप्ट की कोडिंग ताकि यहाँ पे API अटैच की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कॉन्स्टेंट का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उसमें मैं कहूँगा जो इमेजेस रैप है ना उसको इक्वल साइन वो क्या करो कि अच्छा, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं लिखना, मैंने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। कौन सी वाली क्यूरी सेलेक्टर करो, इमेजेस की क्लास वाली, ठीक है। और उसके बाद एक और कॉन्स्टेंट का वेरिएबल बनाऊंगा मैं,
यहाँ पे क्लास के लिए मैंने लिखा डॉट, क्योंकि मुझे क्लास यूज़ करनी थी, मैंने आईडी को नहीं यूज़ किया, क्लास यूज़ एक और वेरिएबल बनाया कॉन्स्टेंट, और मैंने कहा कि यहाँ पे जो लोड मोर वाला बटन है ना, लोड मोर वाला बटन, उसकी भी सीएसएस गेट करके लाओ। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट जो बटन की सीएसएस हमने यूज़ की थी डॉट लगाकर, वो बटन की सीएसएस का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो बटन की सीएसएस ये वाली थी हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर बटन की सीएसएस यूज़ कर ली। तो अब मैंने इमेजेस की भी सीएसएस कॉल कर ली और बटन की भी कॉल कर ली जावास्क्रिप्ट की मदद से। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो मेरी एपीआई की है ना, वो एपीआई की मैं यूज़ करूँगा। बेसिकली हम यहाँ पे जो एपीआई वेबसाइट की एपीआई यूज़ करेंगे, वो एपीआई की मदद से जो हम डाटा इमेजेस का लोड करेंगे, सर्च इंजन बनाएंगे, वो एपीआई की मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने एपीआई की यूज़ की, और अब एक और वेरिएबल बना रहा हूँ लेट का, और यहाँ पे मैं रख दूंगा करंट पेज कितनी होनी चाहिए, करंट पेज हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है। और एक और वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पर मैं लेट का, और मैं कहूँगा जो हमारे टोटल पेज होंगे ना वो कितने होंगे उसको सेट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनाया एक और वेरिएबल लेट, और अब की बार मैं इसका नाम रखूंगा पर पेज कितने रिजल्ट्स आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पर पेज जो रिजल्ट डाउनलोड या लोड होंगे वो 200 होंगे, ठीक है। एक और वेरिएबल बनाया, मतलब कि एक जो पेज मेरा फर्स्ट होम पेज लोड हो रहा है उस पर 200 रिजल्ट्स आने चाहिए। एक और वेरिएबल बनाया मैंने कहा सर्च टर्म, जो सर्च टर्म मैं इस अभी फिलहाल मैं इसको नल रखूंगा क्योंकि अभी इसमें कुछ वैल्यू नहीं आएगी डिफॉल्ट। ओके जी, सेव किया। तो मैं क्या कहता हूँ कि टाइम सेव करने के लिए मैं जल्दी जल्दी से कोड कॉल कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो आपको समझा देता हूँ कि कैसे हुआ। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट का वेरिएबल बनाया, और मैंने कहा कि जनरेट एचटीएमएल, एचटीएमएल जनरेट करो किसकी, ये जो इमेजेस आनी है, ठीक है। तो इमेजेस कहाँ से लोड हो आएंगी, यहाँ से। उसके बाद मैंने कहा कॉन्स्टेंट इमेजेस गेट इमेजेस एपीआई यूआरएल, एपीआई यूआरएल। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट में जो plex.com है उसकी एपीआई यूज़ करते हुए हम उन मतलब कि उसकी वेबसाइट से एपीआई लेंगे इमेजेस की, और अपना यूआई जो हमने बनाया सर्च इंजन इमेजेस वाला, थ्रू इमेजेस उसकी भी जो एपीआई हम अपने पास लोड करके लेंगे। तो ना कि हम उनकी वेबसाइट पर जाएं और इमेजेस सर्च करें, हम अपना ही कोई होम पेज, अपनी कोई एप्लीकेशन बना लेंगे जिसमें हम इसको जो कि इमेजेस को सर्च कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल की, जो करंट पेज कौन सा होना चाहिए, मैंने ये वाला जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वेरिएबल करंट पेज, और पर पेज कितने रिजल्ट होने चाहिए पर पेज का जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, उन दोनों वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे करूँगा मैं एक बार सेव, और जब मैं इसको यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो आप देखिएगा कि जो जब भी फर्स्ट टाइम लोड करेगा तो इमेजेस को गेट करके लाएगा। आपने देखा कि जो प्लेक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके देखेंगे यही रिजल्ट होंगे, और जो मैंने एपीआई से गेट किए हैं वो यही इमेजेस हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आपने एपीआई बेस इमेजेस गेट कर लिए, एपीआई कॉल करते हुए अपनी वेब एप्लीकेशन बना ली। तो आपके सामने ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं जो मैंने लिखा था कि पर पेज 200 रिजल्ट्स लोड होने चाहिए, ठीक है। तो करंट हमारा होम पेज लोड हुआ, उसमें 200 रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, तो मैं सर्च वाले जो इनपुट्स बनाया उसमें अगर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि पाकिस्तान, तो मुझे पाकिस्तान लिखते जैसे मैं एंटर प्रेस करूँ, की या प्रेस करूँ, तो मुझे पाकिस्तान के इसकी इमेजेस दिखानी चाहिए, पाकिस्तान के रिजल्ट दिखाने चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे अपने कोड की तरफ, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके मैं लिखूंगा की अप इवेंट, जावास्क्रिप्ट के अंदर की अप, जो की अप पर मैं क्या यूज़ करूंगा, की अप पर मैं लिखूंगा एंटर वाला, कौन से की अप का, जो हमने आईडी यूज़ की थी, ठीक है। तो कौन सी वाली आईडी यूज़ की थी, जो हमने इनपुट के अंदर ये वाली आईडी यूज़ की थी। इस आईडी के की अप पर क्या केस हो, जब एंटर हो तो करंट पेज 1 ही हो, और उसकी जो लेंथ है टारगेट डॉट वैल्यू दे दो, ठीक है। तो उस अब इस केस में मैंने वही वाली एपीआई का यूआरएल दे दिया, और इमेजेस का करंट पेज मैंने बता दी ये, और उसकी लेंथ जो सी है ना वो मैंने सेट करा दी है पर पेज जो लेंथ आएगी, सही है। तो अब जो वैल्यू आएगी उसको मैंने सर्च वाले वेरिएबल में डाल दी है, सर्च वैल्यूज लेट का। तो हमने इमेजेस लोड करनी है इस वाली एपीआई से, इस एपीआई जेसन की जो एपीआई का रिस्पॉन्स गेट करके डिस्प्ले करना है। यहाँ पर मैं करूँगा एक बार सेव, और जब अब की बार हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रंट स्क्रीन पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 200 लोड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा ही ऐसा था कि पर पेज 200 रिजल्ट डिस्प्ले हो, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाकर
लोड करेंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे। ओके जी, तो रिजल्ट्स आपके सामने आ गए हैं, अब हम सर्च करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च करने के लिए टाइप करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे लाहौर के रिजल्ट्स दिखाता हूँ। आपने देखा जैसे मैंने लाहौर लिखी, एंटर प्रेस किया, तो उसने मुझे जितनी भी लाहौर की इमेजेस है ना वो HD रिजल्ट्स में मुझे दिखा दी। तो देखा कितनी आसानी के साथ, हमें ना तो गूगल पर जाना पड़ा, हमने अपने ही सर्च इंजन में लिख दिया लाहौर। अब मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, तो आपके सामने इस्लामाबाद के टॉप 200 रिजल्ट्स लोड होकर सामने आ गए। तो देखा इतने कितनी स्पीडली स्मूथली हमने API बेस्ड रिजल्ट्स लोड कर लिए अपनी एप्लीकेशन बनाकर। तो ये बेसिकली API बेस्ड वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है जो कि इमेजेस रिजल्ट सर्च कराता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ किसी दूसरी कंट्री का, लंदन लिखता हूँ, तो मेरे पास लंदन के रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप 200 रिजल्ट्स इन लंदन के आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर चेंज करके कनाडा लिख कर एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपके सामने कनाडा के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो देखा ये कितनी जल्दी से काम कर रहा है, ये API बेस्ड रिजल्ट लोड करके ला रहा है। तो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप 200 कनाडा रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पर अगर चेंज करके लिख देता हूँ पेरिस, तो आपकी स्क्रीन के सामने पेरिस के रिजल्ट। तो देखा हमने कितनी आसानी के साथ API बेस्ड वेब एप्लीकेशन बनाई, ना कि हमें गूगल पर जाना पड़े। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुल्तान, तो आपके सामने मुल्तान के रिजल्ट आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, HD रिजल्ट। ठीक है, तो अब जैसे मैंने अगेन लाहौर लिखा, तो आपके सामने लाहौर के रिजल्ट्स अगेन दोबारा डिस्प्ले हो गए, टॉप 200 रिजल्ट्स। ठीक है, तो कोड को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट में एक बटन लिखा था लोड मोर, मुझे रिफ्रेश ना करना पड़े, मैं लोड मोर के ऊपर प्रेस करूं, तो मेरे पास लोड मोर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रोल डाउन और करूंगा यहाँ पर, ओके जी, कोड की तरफ आते हैं। कोड की तरफ आने के बाद मैं यहाँ पर टॉप पर एक थोड़ा सा कोड को इम्प्रूव करने के लिए एक इमेज यूज करूंगा। मेरे पास एक इमेज है सर्च बार वाली, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो बहुत बड़ी आ रही है इमेज। तो अपने पेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर इमेज यूज करनी है। और इमेज की हाइट विथ मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल बाय विथ 100 पिक्सल, और हाइट में इसकी 100 पिक्सल देता हूँ। सेव करते हैं और ये होगी बहुत छोटी सी, थोड़ा सा इसकी हाइट लाइट को चेंज करते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कर देता हूँ सेंटर पर, जो मेरी इमेज आ रही है वो लेफ्ट साइड पर आ रही है, उसको सेंटर पर आना चाहिए। सही है, सेंटर पे आने के बाद मैंने कहा जी वेट होनी चाहिए 500। ठीक है, और जो हाइट होनी चाहिए मेरे पास वो 300 होनी चाहिए। सही है, तो ये आ गई हमारी इमेज सेंटर के अंदर। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस और करता हूँ। ठीक है जी, तो अब मैं कोड के अंदर आकर यहाँ पर मैंने कहा है कि जो मेरे पास जल्दी जल्दी से कोड लिख देता हूँ ताकि टाइम सेव हो। मैंने कहा जी एक वेरिएबल बनाओ कॉन्स्टेंट का लोड मोर इमेजेस का, और उसमें करंट पेज जो है वो प्लस प्लस करो। ठीक है, जैसे मैं लोड वाले बटन पर क्लिक करूंगा, जो मेरे रिजल्ट हैं उसके अंदर ही अगले रिजल्ट ऐड करो, ना कि उसको रिफ्रेश करो। तो एकदम अगेन फिर वो API यूज की, और मैंने कहा कि मीडियम लोड एड इवेंट लिसनर के अंदर क्लिक किए इवेंट के ऊपर ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, ये वेरिएबल वाला। ठीक है, तो सेव किया, और जब भी मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनपुट वाला बटन को भी इम्प्रूव करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनपुट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साथ एक बटन ऐड कर दो सर्च बार वाला। तो मैंने यहाँ पर सिंपली HTML यूज़ किया, उसके बाद बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ की। अब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा इनपुट के साथ सर्च वाला बटन अटैच हो गया। सही है, आपकी बार जब मैं UK लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपके सामने UK के रिजल्ट आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं HD रिजल्ट की, इमेज UK की टॉप 200 रिजल्ट आ रहे हैं UK के। तो ये है हमारा API बेस्ड सर्च इंजन, इमेजेस सर्च कर सकते हैं हम, ना कि हमें गूगल पर जाना पड़े, या हमें फ्लेक्स की साइट पर जाना पड़े, या हमें फ्री पिक्स या किसी भी तरह की वेबसाइट पर जाना पड़े। तो हमने API बेस्ड अपना प्रोजेक्ट बना लिया। अब जब मैं लास्ट पर आकर लोड मोर वाले बटन को प्रेस करूंगा, तो आपकी स्क्रीन पर आएगा विदाउट रिफ्रेश हमारे पास अगेन 200 रिजल्ट और आगे लोड होकर। तो इस टाइम हमारे स्क्रीन पर 200 पहले थे और 200 ये 400 हो गए। अब जब मैं अगेन दोबारा लोड मोर पे करूंगा, तो मेरे पास और रिजल्ट्स आ गए। तो इतना जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास और रिजल्ट्स लोड हो रहे हैं। तो इस आपने देखा कितनी आसानी से हमने रिजल्ट्स लोड कर लिए और लोड मोर वाला रिजल्ट्स भी लिए। तो जो आपने UK कंट्री लिखा है उसी के ही लोड मोर रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं।